हाय किड्स, हाय सर। देखो ये क्या लिखा है, डिवीजन। डिवीजन मतलब डिवीजन मतलब बांटना। किसी भी चीज को जब हम बांटते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं, डिवीजन। हम बोलते नहीं भाई इस चीज को डिवाइड कर दो, हम बोलते हैं ना दो बच्चों में डिवाइड कर दो इसको, बोलते हैं ना कई बार बोलते हैं हम। जैसे हम तुमको चॉकलेट दे रहे तो हम बोलते हैं इसको दो बच्चों में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। दो बच्चों, हाँ आधा आधा, आधा आधा भी हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो, डोलमा टुक ए लोन फ्रॉम ए फ्रेंड टू बाय अ मोपेड। डोलमा कोई बच्ची है, उसने क्या किया है, अपने फ्रेंड से लोन लिया है इतने का, 9,588 रुपीज़ का। अब वो बोल रहा है कि जितने उसने पैसे उससे उधार लिए हैं, लोन मतलब उधार बोलते हैं ठीक है हिंदी में, सी हैज़ टू पे इट बैक इन इक्वल अमाउंट्स एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। अब वो बोल रहे हैं कि उसने जो वो पैसे थे, जो उसने पैसे लिए हैं लोन में, वो उसको 6 महीनों में वापस करने हैं। मतलब हर महीने उसने उसको बराबर बराबर पैसे देने हैं। ठीक है, मतलब माना मैं तुम्हें 600 रुपये दूँ उधार, ठीक है, मैंने मैं 600 रुपये उधार दूँ और मैं बोलूँ कि इसको 6 महीनों में तुमने वापस करने, तो हर महीने कितने कितने तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे, 100। कैसे निकाला, भाग दे के, 6 का भाग दिया ना हमने, किस में, 600 में, तो निकल गया। ठीक है, माना मेरे पास 20 चॉकलेट हैं, ठीक है, मैंने बोला कि 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है, कितनी कितनी मिलेंगी, दो दो। कैसे निकाला, भाग दे के, बांटने के लिए भागी तो देते हैं ना, तो भाग देना है। अब देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है, इसको करते हैं हम। अब देखो अब जो अब तक जो हमने भाग देने के तरीके थे वो हमारे अलग थे, अब एक नई टेक्निक है इस सीखने की, भाग देने की। ठीक है, 6 से देखो कितना लिखा है यहाँ पर हमने, 1000, तो 1000 छक्के कितना होता है, 6000। अब घटाओ इसको, कितना आ गया, 8, 8, 8, 5, 3, 3। अब बताओ अब कितनी बार दें, 3। अब देखो पहले हमने 1000 लिखा था ना, क्या 1000 बार दे सकते हैं, अब नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कितना है, 3000 है, तो मतलब हमको कितनी बार देना पड़ेगा, 500 बार दें। देखो 6 जीरो का 0, 6 जीरो का 0 और 6 5 20 हो गया, 500 बार दिया हमने। फिर लिखो यहाँ पे 8, 8 और 5। अब कितनी बार दें, अब देखो अगर हम 100 बार भी दे दें तो हमें 600 हो जाएगा, 600 तो घटेगा नहीं इसमें, इसका मतलब हमको 100 से क्या करना पड़ेगा, इसको कम, 90, 6 9 54 और यहाँ पे कितना हो गया, 0, 8, 8 में 4 गया 4। अब देखो अब तो 48 ही बचा है, कितनी बार जाएगा, 8 बार, 48 हो गया, हो गया। और इस सारे आंसर को क्या कर देना है, हमने जोड़ देना है। देखो 1000, इसके नीचे 500 कैसे लिखा जाएगा, सर 5 यहाँ पे और 0, हाँ 5 यहाँ पे और 0, 0 फिर 90, सर 9 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 90 और 8, यहाँ पर क्या होते हैं ये, 0, 0, 0, बताओ, 8, 8, 9, 9, 5, 1। इसका मतलब एक महीने में उसने कितने पैसे देने हैं उसको, 1500, 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
जिससे उसने लोन लिया है, तो वो लोन हमारा क्या हो जाएगा, छः महीने में क्या हो जाएगा, पूरा। देखो इसको अगर हम छः से गुणा करेंगे तो आंसर इतना ही आना चाहिए। हमेशा जब भी भाग देते हैं तो ये ध्यान रखना कि जो आंसर है और जिससे हम भाग दे रहे हैं, अगर उनका आंसर ये वाला आ रहा है तो इसका मतलब हमारा भाग बिल्कुल क्या है, सही है। देखो चेक करते हैं, छठे 48, चार कैरी, छः नमें 54, और चार 58, पाँच कैरी, छः पंजे 30, और पाँच 35, तीन कैरी, छः कम छः और तीन 9, आ गया आंसर सेम, चेक हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब जिस भी चीज़ से हम भाग दे रहे होते हैं और जो हमारा आंसर आता है, अगर आंसर इसको इससे गुणा कर दें और ये आंसर आ जाए तो इसका मतलब हमारा भाग क्या हो गया, बिल्कुल सही, अदरवाइज हमारा भाग क्या है, गलत। ठीक है, कर लोगे?